તો મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથે સ્પાઇસ જેટના સીએમડી ખાસ વાતચીત કરી, આવો નજર કરીએ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કેવડિયા ખાતે બે દિવસના પ્રવાસ દરમિયાન સૌથી એક્સાઇટિંગ જે પ્રોજેક્ટ હતો તે સી પ્લેનનો હતો, જેનું લોકાર્પણ કર્યું છે. અને આ સી પ્લેન સંદર્ભે વધુ વાતચીત કરવા માટે સ્પાઇસ જેટના સીએમડી અજયસ આપણી સાથે છે. સર, સ્વાગત હે આપકા મંતવ્ય ન્યૂઝમાં. સર, સબસે પહેલા સવાલ, જિસ તરહ સે યહાં સે કેવડિયા મેં આજ યે સર્વિસ શરૂ હો ચુકી હૈ, કિસ તરહ સે દેખતે હૈં આપ યે ટૂરિઝમ કો, કિસ તરહ સે બૂસ્ટ અપ કરેગા? દેખિયે, પહેલી બાત તો હમે ઇસ બાત કી બહોત પ્રસન્નતા હૈ કે સી પ્લેન કી સર્વિસ जो पहली बार भारत में एक शेड्यूल्ड सर्विस शुरू की जा रही है, उसके लिए हमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत इनकरेज किया. ना केवल उन्होंने इनकरेज किया, लेकिन जब आज उसका उद्घाटन होना था, पहली सेवा शुरू होनी थी, तो अपने व्यस्त शेड्यूल से वो समय निकाल के खुद यहाँ पर उद्घाटन करने आए. ना केवल उन्होंने उद्घाटन किया इस सर्विस का, बट हमारे पहले पैसेंजर इस सर्विस के स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं. तो यहाँ से उन्होंने फ्लाइट ली केवड़िया से अहमदाबाद के लिए, साबरमती रिवर फ्रंट के लिए. तो एक बहुत बड़ी बात है. दूसरी बात यह है कि आज एक माइलस्टोन है, ना केवल स्पाइस जेट के लिए और ना केवल एविएशन सेक्टर के लिए, बट पूरे भारत के टूरिज्म सेक्टर के लिए, क्योंकि एक यूनिक सर्विस शुरू की जा रही है. भारत में जैसे आप जानते हैं कि बहुत ही सुंदर टूरिज्म स्पॉट्स हैं और उधर कनेक्टिविटी की बहुत कमी है. एयरपोर्ट्स नहीं है, कई जगह सड़कों से भी कनेक्टिविटी बहुत ही कम है. तो लेकिन जिस चीज की कमी नहीं है वो वाटर बॉडीज हैं. आप अगर देखें तो रिवर्स, जितने हमारे नदी हैं, हमारे झील हैं, अनेकों नदी और झील पूरे देश में हमारे हैं, और कई टूरिज्म स्पॉट्स पे जहां और किसी प्रकार से नहीं पहुंचा जा सकता, सी प्लेन से हम पहुंच सकते हैं. तो ऐसी जगह भी जहां जो आज तक अनकनेक्टेड थी, उनको हम टूरिज्म मैप पे डाल सकते हैं, भारत के टूरिज्म मैप, इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पे. इस बात की बहुत खुशी है कि केवड़िया हमारी पहली डेस्टिनेशन है. केवड़िया आपकी पहली डेस्टिनेशन है आपने बताया. अगर हम गुजरात की बात करें, जैसे आपने बताया कि वाटर बॉडीज काफी सारे हैं जिसे आप सी प्लेन से कनेक्ट किया जा सकता है, आपने ऐसे कैसे कितने आइडेंटिफाई की है यहाँ पे वाटर बॉडीज जहाँ पे संभावना देखी जा रही है सी प्लेन की, गुजरात में पर्टिकुलरली और अदर स्टेट्स में? देखिए, गुजरात में बहुत संभावना है. टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट हमें दी है, अभी मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, थोड़ी सी हम फिजिबिलिटी स्टडी कर लें. लेकिन कोशिश हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो केवड़िया को हम और शहरों से जोड़ने की कोशिश करें. तो जैसे आज हमने अहमदाबाद से जोड़ा है, केवड़िया को हम कोशिश करेंगे सूरत से भी जोड़ें और शहरों से भी जोड़ें जहां पर भी फिजिबिलिटी बनती है. एक लंबी लिस्ट एक हमें मिली है टूरिज्म डिपार्टमेंट से, उसको भी हम स्टडी जरूर करेंगे और देखेंगे कि कहां कहां फिजिबिलिटी. जहां तक देश का सवाल है, तो देश में तो वाटर बॉडीज की कोई कमी नहीं है. सबसे पहले हम अंडमान पे एक चर्चा कर रहे हैं कि पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड पे जोड़ें, असम में काजीरंगा फॉरेस्ट के बीच में एक झील है उसमें हम लैंड कर सकें, लद्दाख में जो ले में जो झील है उसमें हम लैंड कर सकें, डल लेक है हमारी, ये वैली ऑफ फ्लावर्स पे एक झील है. तो जैसी जगहों में ऋषिकेश है, हरिद्वार है, उदयपुर में झील है, केरला के बैक वाटर्स है, बहुत लोकेशंस हैं जहां पर एक यूनिक सर्विस ये दी जा सकती है. यूनिक सर्विस की सर अगर आपने बात की है, सी प्लेन की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण रहता है वाटर लेवल. वाटर लेवल की अगर हम बात करें केवड़िया की तो बात सही है, लेकिन अगर हम साबरमती रिवरफ्रंट की बात करते हैं तो उसमें जो वाटर लेवल है पूरे सीजन में बदलता रहता है. तो आपके हिसाब से टेक्निकली वो कब तक, ये जो सी प्लेन है कह सकते हैं समर में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है पानी के लेवल की, तो क्या देखते हैं आप कब तक सर्विस रहेगा? ऐसे स्पॉट्स को चुना है जहां इस, पहली बात तो यह है कि इस सर्विस के लिए बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं चाहिए. आपको सिर्फ एक 6 फुट की डेप्थ चाहिए. तो 6 फुट की डेप्थ तो आपको मोस्ट प्लेसेस में मिल जाती है. जो साबरमती रिवर फ्रंट की आप बात कर रहे हैं, तो उधर 12 महीने हमें लगता है कि कोई कठिनाई नहीं आने वाली, इसलिए उस स्पॉट को हमने चुना है. और इस प्लेन की खासियत ये है कि बहुत कम जगह में और बहुत कम डेप्थ में ये लैंड कर जाता है. सर, सबसे आखिरी सवाल और सबसे इंटरेस्टिंग जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि टिकट का जो दर है वो काफी ज्यादा लग रहा है. अभी 1500 के टिकट्स की जो बात सामने आ रही है, लेकिन कुछ ही टिकट्स उसमें अवेलेबल है, तो कब लोग, एक मिडल मैन कब इस प्लेन में बैठ पाएगा? देखिए, थोड़ी सी प्रीमियम सर्विस तो ये है, क्योंकि ये इसको ऑपरेट करना ज्यादा सस्ता नहीं है. कोशिश हम करेंगे आने वाले समय पे कि इसको सस्ता किया जाए, थोड़े जहाज सस्ते लाए जाए, थोड़ी और चीजों में इकोनॉमी की जाए. आज शुरुआत की है हमने, और शुरुआत में भी हम कोशिश ये करें कि कुछ टिकट जरूर 1500 रुपए में बेचें, जिससे आम आदमी उसमें ट्रैवल कर सके.
તો આ હતા સ્પાઇસ જેટના સીએમડી અજયસિંહ, જેમનું કહેવું છે કે કેટલીક ટિકિટો તો ચોક્કસપણે અત્યારે 1500 રૂપિયામાં અવેલેબલ છે જ, પણ આગામી દિવસોમાં સી પ્લેન હજુ પણ તેની ટિકિટોનો દર ઘટાડવાનો પ્રયાસ તેઓ કરશે. અને સૌથી મહત્વની બાબત તેમણે કરી છે કે કેવડિયા ઉપરાંત આગામી દિવસોમાં સુરત અને હવે નેક્સ્ટ ડેસ્ટિનેશન તરીકે સી પ્લેનથી જોડવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. કેમેરામેન સંદીપ ત્રિવેદી સાથે સોનલ નડકટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, કેવડિયા.